प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, कुछ ऐसा ही कर दिखाया लखीसराय की अमीषा ने। अभाव और कई कठिनाइयों से जूझते हुए अमीषा ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान पाया। अमीषा ने न सिर्फ अपने स्कूल का नाम रोशन किया बल्कि पूरे राज्य में अपने जिले का मान भी बढ़ाया है। कहते हैं प्रतिभा को सम्मान मिले तो बेहतर करने की हिम्मत पैदा होती है। यही सोच रखते हुए मानव अधिकार प्रोटेक्शन की टीम ने अमीषा को सम्मानित किया। मानव अधिकार प्रोटेक्शन की टीम अमीषा के घर पहुंची और उसे सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी ने छात्रा की हौसला अफजाई करते हुए भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ये अमीषा कुमारी के हम गए थे मानिकपुर, जो बिहार में 2 नंबर पे आई है मैट्रिक परीक्षा में, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ऐसे ऐसे लोग हमारे जिला को गौरवान्वित कर रहे हैं, पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं और पूरा देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। और हमने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि उन्हें जा करके हमने गौरवान्वित किया और पुरस्कृत किया। पूरी मानवाधिकार प्रोटेक्शन की टीम ने उन्हें जाकर पुरस्कृत किया। और मैं उनसे ये भी पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो बोले कि हम IAS बनेंगे, और ये जानकर हमको बहुत खुशी है। और हमने उन्हें कहा कि आगे भी अगर आपको कोई ढंग की तकलीफ होगी, कोई ढंग की समस्या होगी, तो हमें जरूर याद कीजिएगा, हम उस वक्त खड़ा रहेंगे और आपकी हर रुकावटें को हम हटा। लखीसराय में झंझरिया पुल के समीप एक छात्रा की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मृतक 14 वर्षीय सुमन कुमारी बताई जा रही है, जो छात्रा कोचिंग से पढ़कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक सड़क जाम कर आवागमन को ठप कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पढ़ कर है सर, उसको बाद गाड़ी लोट था, उसको बाद चढ़ा दिया, देखिए साइकिल वहाँ भेजा हुआ है। क्या बजे का घटना? अभी 1 घंटा पहले के बाद। क्या नाम है बच्ची का? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। पिता का नाम? रामचंद्र।